हेलो गाइस, मैं हूं कुमार और आप देख रहे हैं जी क्रिएटर। तो आज का टॉपिक है डायनामेश के बारे में, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने अभी एक मॉडल लोड किया हुआ है यहां पर और पॉलीफ्रेम ऑन है। तो चलिए देखते हैं डायनामेश क्या करता है। लेकिन डायनामेश समझने से पहले हमें देखना होगा कि स्कल्पटिंग के बारे में। तो जैसे मैं इसको पॉलीफ्रेम ऑफ करता हूं और मैं समझो यहां पे कुछ स्कल्प करता हूं, तो जैसे आप देख सकते हो कि इसका जो पॉलीगॉन है वो स्ट्रेच हो रहा है। आप पॉलीफ्रेम ऑन करके देखोगे तो ये कुछ स्ट्रेच हो गया है। तो मैं इसे कुछ डिवाइड कर देता हूं, आपको पता है कंट्रोल डी से डिवाइड होता है। फिर से मैंने पॉलीफ्रेम ऑफ किया और मैं समझो मैं यहाँ पे स्कल्प कर रहा हूँ कुछ। तो आप देख सकते हो कि कितना फाइन स्कल्पटिंग हो रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्कल्पटिंग करूँ तो वो उतना रेजोल्यूशन नहीं दे पा रहा है जैसे यहाँ पर वो दे रहा है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर डायनामेश यूज कर सकते हैं। तो आपको टूल पैलेट में आपको दिखाई देगा ज्योमेट्री के इस टैब में आपको यहाँ पर डायनामेश दिखाई देगा। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये कुछ ऑप्शंस है आपके सामने दिखाई देंगे। तो पहला ऑप्शन डायनामेश को ऑन करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो मैं आपको पॉलीफ्रेम ऑन करके दिखाता हूँ कि ये क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये डिपेंड करता है आपका कितना रेजोल्यूशन है। जैसे डिफॉल्ट में होता है 128, ये आप बाद में इसको चेंज भी कर सकते हो। लेकिन अभी आप समझते हैं कि 128 रेजोल्यूशन पे ये डायनामेश कैसे देता है। तो जैसे मैं डायनामेश क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हो कि ये मेश जो है डायनामेश हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं समझो मैंने स्कल्प्ट किया हूं, अगर यहां पर जैसे लास्ट टाइम किया था, तो आप देख सकते हो कि यहां पे स्कल्प्ट नहीं कर पाऊंगा मैं। तो अगर मैं इस यहां पर अभी डायनामेश करूं फिर भी वो डायनामेश हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोजेक्ट ऑन था पहले, मैं इसे ऑफ कर रहा हूं। मैं इसको दोबारा डायनामेश करूंगा। सो गाइज, ये डायनामेश हो गया है। तो अभी हम देखेंगे, क्योंकि अभी अगर यहां से अगर हम स्कल्प करेंगे तो आप देख सकते हो ये फिर से जो है मैश स्ट्रेच हो गया है। तो अगर मुझे इसको फिर से डायनामेश करना है तो मुझे जैसे आप कंट्रोल आप मास्क को हटाते हो कंट्रोल और कैनवास में बाहर ड्रैग करके, तो वैसे ही यहां पर भी करना है। कंट्रोल प्रेस करते हो आप और यहां पर आपको ड्रैग करना है तो ये फिर से डायनामेश हो जाएगा, ठीक है। तो डायनामेश का फंडा ये है कि आपको आपको बेसिक ब्लॉक आप बना सकते हो मैश का। कोई भी अगर आप कोई कैरेक्टर बना रहे हो या कोई क्रिएचर बना रहे हो या कुछ भी मॉडल के लिए बना रहे हो तो अभी गाइस हम कुछ देखेंगे बेसिक मॉडल बनाने के लिए। तो मैं इसको थोड़ा अंडू कर देता हूं। तो हम एक बेसिक ह्यूमन हेड बना देते हैं। तो मैं अभी डायनामेश नहीं है फिलहाल, तो आपको समझ में आएगा। तो मैं मूव ब्रश में आता हूं, तो BMV मूव ब्रश, एक्चुअली ये टोपोलॉजिकल ब्रश है, तो BM और शायद से मूव बी, तो BMB है मूव के लिए, 4R7 में BMV है। तो मैं यहाँ पे कुछ हेड के लिए बनाता हूं। ये एक बेसिक ब्लॉक है, ये मैं कोई फाइनल स्कल्प नहीं कर रहा हूं। मैं गिज़्मो ऑफ कर देता हूं। तो आप देख सकते हो कि यहां पर मैं कुछ एक हेड जैसे स्कल्प कर सकता हूँ अभी के लिए। ये फिर से बेसिक है, मैं कोई डिटेल स्कल्प नहीं कर रहा हूँ, डायनामेश के लिए है ये। सो अभी आप देख सकते हो पॉलीफ्रेम अगर मैं ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि कितना स्ट्रेच हो रहा है मॉडल पे। तो यहां पर आप बिल्कुल भी स्कल्प नहीं कर पाओगे। तो जैसे मैं BCD दबाता हूँ स्कल्पिंग के लिए, देख सकते हो यहां पर तो मैं स्कल्प कर सकता हूं कुछ हद तक, लेकिन यहां पर मैं बिल्कुल भी स्कल्प नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए डायनामेश यूज होता है।
तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि डायनामेश किसके लिए यूज होता है। अगर मैं डायनामेश यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो डायनामेश हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिए कि डायनामेश जो है रेजोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपने कम रेजोल्यूशन रखा, मैं इसको अंडू करता हूँ और अपने इसको कम रेजोल्यूशन रखा, मैं 32 दे देता हूँ जो बहुत ही लो है, तो मैं इसको डायनामेश करता हूँ तो ये कम रेजोल्यूशन में डायनामेश हो गया। तो आप इसको शिफ्ट एफ प्रेस करके देख सकते हो पॉलीफ्रेम करके कि कैसे डायनामेश हो रहा है, और आप इसको बढ़ाकर भी देख सकते हो, कंट्रोल और ड्रैग करोगे तो होगा, लेकिन अभी नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्कल्प करना पड़ता है। और अभी आप करोगे तो ये डायनामेश होगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जितना ज्यादा रेजोल्यूशन आप रखोगे उतना ज्यादा टाइम लेगा और उतना ही ज्यादा आपको वो डिटेल भी देगा करने के लिए। तो आप देख सकते हो कि ये कितना डिटेल तक जा सकता है। फिर से स्ट्रेच हो गया और कंट्रोल ड्रैग करोगे तो 688 रेजोल्यूशन पे वो डायनामेश हो जाएगा। तो अभी फिलहाल मुझे इतने रेजोल्यूशन पे डायनामेश नहीं करना है, तो मैं इसे अंडू कर देता हूं। 32 मेरे लिए सफिशिएंट है क्योंकि मुझे हमेशा बेसिक ब्लॉक ही बनाना होता है, तो मैं प्रिफर करता हूँ 32 से 128 के बीच में रहने का। तो उसी के अंदर मैं अपना जो स्कल्पटिंग है रखता हूँ। फिर आप जैसे आपने अंदर कर लिया इसे, फिर आप कंट्रोल ड्रैग किए तो वो डायनामेश हो जाएगा। सॉरी, ये 312 है, मैं इसको कम कर देता हूँ 32 फिर से, और कंट्रोल और ड्रैग, और ये डायनामेश हो गया। तो ऐसे आप यहाँ पर स्कल्प डायनामेश कर सकते हो। अभी देखते हैं गाइस ग्रुप्स पॉलिश और प्रोजेक्ट ये क्या होता है। मैं इसे अंडू कर देता हूँ फिर से सर्कल पे आ जाता, ठीक है। तो मैंने इसको डायनामेश किया 128 पे, ठीक है, शिफ्ट एफ। तो अगर मैं यहाँ पे मास्क करता हूँ और मैं कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करता हूँ तो ये ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, तो ये पॉली ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ग्रुप्स, अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया और फिर कंट्रोल और ड्रैग किया यहाँ पे तो वो दो अलग अलग ग्रुप्स में हो जाएंगे। मैं इसको इन्वर्स भी कर सकता हूँ देखने के लिए। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये ग्रुप्स के अकॉर्डिंग हो गया। मैं इसको अंडू कर देता हूं। अभी हम देखते हैं पॉलिश, तो पॉलिश कैसे काम करता है। तो इसको थोड़ा कुछ स्कल्प करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं पॉलिश करता हूं और मैं इसको कंट्रोल पकड़ के इसको ड्रैग करता हूं तो वो पॉलिश हो जाता है डायनामिश। तो ये है पॉलिश, और प्रोजेक्ट भी सिमिलरली काम करता है, प्रोजेक्ट भी उसी के जैसे ही, अगर मैं कंट्रोल ड्रैग करूँ तो वो प्रोजेक्ट हो जाता है। ब्लर भी सिमिलर है, जैसे मैं जीरो रखता हूँ तो अगर मैं यहाँ पे स्कल्प करता हूँ और डायनामेश करता हूँ तो वो हार्ड हो जाता है कुछ चीज़ें यहाँ पर। अगर मैं इसको थोड़ा ब्लर को ज़्यादा रखता हूँ और कंट्रोल और ड्रैग करता हूँ तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, अभी नहीं आएगा समझ में, यहाँ पे कंट्रोल ड्रैग और वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है यहाँ पर। मैंने अंडू कर दिया। रेजोल्यूशन तो अभी आपको पता है कि ये कैसे होता है। सो अभी गाइज हम सब प्रोजेक्शन के बारे में हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। तो यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट ऑन रखता हूँ और यहाँ पे ग्रुप्स ऑफ कर देता हूँ। तो अगर मैंने यहाँ पर कोई हार्ड स्कल्पटिंग अगर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो अगर मैं बी टी और ट्रिम डायनेमिक यूज करता हूँ तो आप देख सकते हो, या एडेप्टिव बी टी ए एडेप्टिव, तो आप देख सकते हो इसके जो एजेस है बहुत ही हार्ड है। तो अगर मैंने इसके सब प्रोजेक्शन को हाई रखा, 1 तक रख दिया और इसको मैंने अगर डायनेमिश किया तो आप देख सकते हो कि इसके एजेस पर कितना शार्पनेस आ रहा है। तो ये होता है सब प्रोजेक्शन। ये ZBrush का नया फीचर है सब प्रोजेक्शन। अगर मैं इसको 0 रखता हूँ तो देखते हैं वो चले जाता है, ठीक है। तो ये होता है सब प्रोजेक्शन।
ZBrush में। तो अभी हम देखेंगे add, sub और end के बारे में। तो add, sub और end कैसे work करता है। तो अभी अगर आप sub tool में आओगे और यहाँ पर आप एक कोई tool append करोगे, तो समझ लीजिए मैंने cone 3D append किया, तो यहाँ पर आ गया। मैं इसको move करूँगा, तो जैसे ही मैंने इसको move किया यहाँ पर, तो अभी आप देख सकते हो कि ये जो है ये add है, ठीक है, ये add होता है, ये subtract होता है, और ये जो है in between होता है and। तो हम पहले add करके देखते हैं। मैंने इसको add पर रखा है और मैं इस sub tool पे आता हूँ और इसको जो है मैं मर्ज कर देता हूँ। तो मर्ज डाउन मैं यहाँ पे कर दूंगा, तो ये मर्ज हो गया, एक ही सब टूल हो गया। और अगर मैं इसको एंड प्रेस करता हूँ यहाँ पे ज्योमेट्री पे आके डायनेमिश में, इसको अगर मैंने एड प्रेस किया तो ये जो है मैश जुड़ गया, तो ये एक मैश हो गया। तो मैं अगर इसको अंडू करता हूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे जो है कुछ कट जैसे दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे एंड भी क्लिक कर सकता हूं, या फिर मैंने अगर कंट्रोल, मैं ड्रॉ मोड पे आ जाता हूं, फिर मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्रेस किया और फिर मैंने ड्रैग किया तो ये एड हो गया, ठीक है। तो मैं यहां पर भी क्लिक कर सकता हूं या कंट्रोल और बाहर ड्रैग भी कर सकता हूं। सब भी वैसे ही काम करता है। अगर मैं इसको अंडू कर देता हूं अभी, और अगर समझो मैंने अपेंड किया फिर से वो टूल, और इस बार मैंने जो है ये सिलेक्ट किया है जो इनवर्स होता है। तो अगर मैं इसको पहले मुझे मर्ज करना होगा इसके लिए, तो मैंने इसको मर्ज डाउन कर दिया और फिर मैंने इसको ड्रैग किया या मैंने सब कर दिया तो वो माइनस हो जाएगा, तो वहां से वो कट जाएगा। एंड भी वैसे ही काम करेगा, तो लेकिन वो इन बिटवीन में काम करता है। मैंने समझो अपेंड कर दिया कोई एक टूल और मैंने इसको फिर से यहाँ पे लिया और फिर मैंने ऊपर का सब टूल लेकर इसको जो है इस इन बिटवीन पे रख के यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं इसको मर्ज डाउन कर देता हूँ, और मैं अगर कंट्रोल और ड्रैग करता हूँ तो वो इन बिटवीन हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ ज्योमेट्री पे और एंड करता हूँ तो वो इन बिटवीन आ जाता है। तो गाइज ये होता है एंड सब और एंड के फीचर्स के बारे में। तो गाइज अभी आपको पता है डायनेमिश के यूसेज क्या है। तो मैं इसको मेक पॉलीमेश 3D करता हूं। आपको पता है अगर मैं यहाँ पे स्कल्प करता हूं तो मुझे मैश का रेजोल्यूशन नहीं मिलता है, इसी रीजन की वजह से आपको डायनेमिश करना पड़ता है। और ये बहुत ही अच्छा फीचर है ZBrush का, जो आप यहाँ पे स्कल्प कर सकते हो और आप कितने बार भी आप यहाँ पे डायनेमिश कर सकते हो। अगर समझो आपको कोई हॉर्न बनाना है, मैं सिमेट्री ऑन कर देता हूँ, और समझो आपको कोई हॉर्न बनाना है तो BMB मूव ब्रश के लिए, और इसको मैंने कुछ ऐसे खींचा हूं यहां से और मुझे यहाँ पे डायनेमिश करना है, तो ये डायनेमिश हो गया। तो मैं यहाँ पे स्कल्प कर सकता हूं अभी अच्छी तरीके से। तो गाइस ये होता है। और समझो अगर आपका मॉडल डिवाइड है, और यानी आपने डिवाइड कर रखा है इस मॉडल पे, अगर आप स्कल्प कर रहे हो यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे ज्यादा रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा है स्कल्प करने के लिए जितना मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर वो एक ऑप्शन पूछता है तो इसको हमेशा नो कीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपका जो रेजोल्यूशन और जो डिटेल है थोड़ा मेंटेन रहेगा। तो आप अगर यहाँ पे नो करते हो तो वो थोड़ा मेंटेन रहता है डिटेल्स, लेकिन वो रेजोल्यूशन के हिसाब से वो मैश जो है वो डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा ब्लर भी हो जाता है कभी कभार, तो ये ध्यान में रखिए। सो गाइस आज के डायनेमिश ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और
थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए।